Hello students, welcome back to my class. Today we are going to learn your SST social studies history, very important chapter, nationalism in India. This year the chapter nationalism in Europe has been deleted, so directly we'll learn this chapter. Before starting the chapter, I will ask you some question regarding what do you mean by nationalism. Dekho, नेशनलिज्म क्या समझते हो? देखो इस चैप्टर में क्या है, हम इस टाइटल से ही समझ जाएंगे. देखो हमें पता है क्लास 9 में हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, फिर नेशनलिज्म इन यूरोप क्या होता है. अपने कंट्री, अपने नेशन, अपने लिंग्विस्टिक सिमिलरिटी ग्रुप के लिए तुम्हारा एक फीलिंग होता है ना. तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे हाउ दैट इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल दे अंडरस्टूड what their importance, what their language, what their country, nation, उसके लिए that they are under the bondage of British rule. ये जो nationalism feeling कि country को किसी के bondage से बचाना है, इस chapter में यही चीज़ बताया गया है. And through the leadership of Mahatma Gandhi, इस chapter में हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे पूरे इंडिया को यूनाइटेड करने में ब्रिटिशर्स के खिलाफ डिफरेंट मूवमेंट शुरू किए थे महात्मा गांधी के लीडरशिप में, और कैसे एक के बाद एक लोग, एक के बाद एक ऑल ट्राइब्स, ऑल रिलीजियस ग्रुप्स, ऑल सोशल ग्रुप्स कंट्रीब्यूटेड फॉर मेकिंग आवर इंडिया फ्री. सो नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर में हम कुछ पार्ट्स में सीखेंगे. फर्स्ट वन में हम लोग देखेंगे कि नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके शुरुआत केसेस, कैसे इंडिया एक पावरफुल नेशन थे उस समय, कैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, आने के बाद यहाँ पे कैसे राज जमाने लगे, फिर उन्होंने पूरे इंडिया को कैप्चर करके अपना कॉलोनियल रूल्स स्टार्ट किए. देन उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरीके से पूरे इंडिया का इकोनॉमी इफेक्टेड हुए, किस तरीके से इंडिया के लोग परेशान थे ब्रिटिशर्स के कुछ डिसीजन से. फिर महात्मा गांधी वापस आए अफ्रीका से, आने के बाद उन्होंने सोचे कि इस कंडीशन को बदलना है, हमें यूनाइटेडली ब्रिटिशर्स के लिए मूवमेंट करना है. तो उन्होंने छोटा छोटा मूवमेंट में सक्सेसफुल रहे, कैसे उन्होंने बिहार में, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, फिर उन्होंने गुजरात में, अहमदाबाद में, फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का कुछ ऐसे कानून बनाया गया था जो इंडियन को पूरी तरीके से रिप्रेसिव टॉर्चर के लिए, लीडर्स को कंट्रोल करने के लिए, ये सारे चीज़ से कैसे हम लोग बच पाए. सो द चैप्टर इज मेनली अबाउट महात्मा गांधीज रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड हाउ ही कोलाबोरेटिवली वर्क, ही ट्राइड टू यूनाइट ऑल सोशल ग्रुप्स इन हीज ऑनेस्ट विश टू फ्री इंडिया फ्रॉम कॉलोनियल रूल. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द बिगिनिंग इट इज टोल्ड दैट इंडिया वॉज मोस्ट ऑफ द केसेस, बिगिनिंग से ही बहुत रिच थे, एकदम हर तरीके से रिसोर्स से भरे हुए थे. इंडिया का पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर बहुत अच्छा था. देन 1612 में वी नो, फिर 1612 में ब्रिटिशर्स आए थे, क्या नाम से, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से. वी नो अबाउट दैट कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे 1612 में. उसके बाद दे स्टार्टेड, देखो इससे पहले भी बहुत सारे फॉरेन से आए लोग, आए यहाँ पे बिजनेस किए. ब्रिटिशर्स आने के बाद ये लोग डायरेक्ट पहुँच गए थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. वहाँ पे जाके ब्रिटिशर्स तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी में बिजनेस का ही काम कर रहे थे. नाउ 1757 से बोला जाता है ब्रिटिशर्स का कैप्चरिंग शुरू हुआ. क्यों? इन द बैटल ऑफ प्लासी, कहाँ पे, 1757 में इन द बैटल ऑफ प्लासी, इन द बैटल ऑफ प्लासी में जहाँ पे बंगाल का नवाब था उस समय सिराजुद्दौला, उनके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स अपने आर्मी बनाए और बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल डिफीट हुए. उसका कारण क्या था? बिकॉज द चीफ आर्मी के कमांडर इन चीफ जो थे मीर जाफर, जिसको ब्रिटिशर्स
क्या किए थे? ब्रिटिशर्स कंस्पिरेसी किए थे, सिराजुद्दौला उनके ही जो आर्मी चीफ थे मिर्जाफर। सो ब्रिटिशर्स का जो कंस्पिरेसी था उन्होंने क्या किया था, मिर्जाफर को लालच दिया था कि आप हमारे तरफ रहिए, बंगाल का नवाब आपको हम बना देंगे। तो मिर्जाफर उस कुर्सी के लालच में उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ कंस्पिरेसी करके उस युद्ध में पार्टिसिपेट करने के टाइम पीछे चले गए और सिराजुद्दौला का डिफीट हुआ एंड 1757 के बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में राज करने का उनका शुरुआत हो गया। देन दे स्टार्टेड कैप्चरिंग थ्रू आउट द इंडिया। इसके बाद हमें कंटिन्यूसली इंडिया को पता है, उसके बाद से हम लोग नियर अबाउट 200 ईयर्स ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे कॉलोनियल रूल बना के रखे। नाउ चैप्टर के बिगिनिंग में ये चीज़ हमें तुमने बता दिया इसका हिस्ट्री क्या है। देन एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो स्टूडेंट यू नो अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? ये हमें पता है 14 से 18 तक। ड्यूरिंग दिस टाइम ब्रिटिश इंग्लैंड जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने क्या किया था, अपने डिफेंस के लिए एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए थे। हैं, डिफेंस के लिए एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए थे। तो इंडिया में रूल करते हैं तो इंडिया में वो एक्सपेंडिचर उठाने के लिए क्या किए, इंडियन लोग के ऊपर टैक्सेस हाई कर दिए। क्या किए? हाई टैक्सेस लेने लगे। बदमाश थे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखो जो खर्चा वो लोग कहाँ से उठाएंगे, गरीब इंडियन से उठाएंगे, तो टैक्सेस को हाई कर दिए। सिर्फ वही नहीं, कुछ न्यू चीज़ शुरू किए। इनकम टैक्स उस समय से शुरू हुआ था, इससे पहले था ही नहीं, है ना। इनकम टैक्स इससे पहले कभी नहीं दिया जाता था ब्रिटिशर्स ने जबरदस्त तरीके। कस्टम ड्यूटीज हैं, ये सब नया शुरुआत किए। लोग इंडिया का इकोनॉमी में कैसे इफेक्ट पड़ने लगा, देखो पहले तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाए, टैक्सेस बढ़ा दिए, लोगों के ऊपर प्रेशराइज हो गए। सिर्फ वही नहीं, विलेजेस के लोगों को फोर्सफुली आर्मी में ज्वाइन करने के लिए फोर्स किए, फोर्स इंडियंस टू ज्वाइन आर्मी, ब्रिटिशर्स आर्मी में ज्वाइन करने के लिए फोर्स करने लगे। अब उस समय लोग सोच रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1-2-3 साल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा था। और उस समय देखो हर चीज़ का प्राइस, हर चीज़ का प्राइस बहुत राइज करने लगे थे। एंड 1914 से 18 के बीच में इस समय इंडिया में क्रॉप्स भी फेलियर हो रहा था, और क्रॉप्स फेलियर होने के कारण गरीब लोग सही से ब्रिटिशर्स को टैक्स पे नहीं कर पाते, सब नाखुश थे। इस इकोनॉमिक सिचुएशन था फर्स्ट वर्ल्ड के समय में। अब उसके बाद हम लोग आएंगे कि इस तरीके से टॉर्चर लोग कितने दिन सहेंगे। फिर महात्मा गांधी का रोल यहाँ पे, महात्मा गांधी के रोल जो अफ्रीका से रिटर्न किए थे कब, 1915 में। क्या किया गांधी? रिटर्न किए। कहाँ से? रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका से रिटर्न किए, सो परमानेंटली। इससे पहले उन्होंने अफ्रीका में अपना एक मूवमेंट था सत्याग्रह, ये बहुत ही फेमस रहा। क्या है, हमें पता है अफ्रीका में एपार्थाइड सिस्टम चल रहा था ना, क्या चल रहा था, एपार्थाइड सिस्टम, है ना, अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द स्किन कलर। तो एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ उनका सत्याग्रह मूवमेंट बहुत फेमस था। ये क्या है सत्याग्रह मूवमेंट, एक प्रोटेस्ट है, किस तरीके से, ऑनेस्टी के साथ, फॉर द विक्ट्री ऑफ ट्रूथ, सच के जीत होगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं, विदाउट टेकिंग एनी वायलेंट मेथड, नॉन वायलेंस के तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं इनडायरेक्टली किसी चीज़ के लिए और ट्रूथ के लिए लड़ाई करते हैं। ये सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने वहाँ पे किए थे। एक इंसिडेंट है यहाँ पे महात्मा गांधी के,
कि महात्मा गांधी अफ्रीका में उनके साथ कुछ व्हाइट कलर पीपल, वहाँ पे व्हाइट पीपल उनको ट्रेन से फेंक दिए थे उनके कलर्स ब्राउन स्किन के कारण, उन्होंने वहाँ से ये मूवमेंट शुरू किए थे। पूरे अफ्रीका में फेमस था, ऑलरेडी इंडिया में भी फेमस गांधी जी बन गए थे कि एक इंसान है जिनका सत्याग्रह मूवमेंट बहुत फ़ायदेमंद है। तो गांधी जी जब रिटर्न किए 1915 में, इस समय नेशनल कांग्रेस के डिफरेंट सेशन में बहुत लोग आए गांधी जी के